बिस्मिल माई डिफेंट्स क्या हाल है उम्मीद करती हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआई ला लोगों की जिंदगी में जिसमें सेहत में बरकत दे तो जनाब आप देख सकते हैं कि मेरे पास है पैंटीन कापर मे हेयर मेकर ठीक है ना मैंने इसको यूज़ किया तो इसके बाद मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने इसको किस तरह से यूज़ करना है तो जनाब इन्होंने कहा कि फोर इन वन है यानी कि इसको आप एक शैम्पू को चार तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं कि इनके और स्प्रीटमेंट मतलब अगर आप अगर अपने बालों में शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करते हैं तो आप उसको इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं तो जनाब अगर आप ऑयलिंग की जगह यूज़ करोगे तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला ठीक है आप ये देख सकते हैं कि इसकी बैक में ये है थ्री फिफ्टी के आ, ये आपको आराम से इनकी कि किसी भी मेडिकल सॉरी किसी भी शॉप से आराम से मिल जाएगा जनरल स्टोर से ये ऑल रिप्लेसमेंट का इन्होंने कहा है कि शैम्पू से पहले आपने इसको ऑयल ऑलियाँ उसके बाद इनके आपने इसको यूज़ करना है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था एज़ ए सीरम आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है कि ये वाकई में फिर से हेयर को कंट्रोल करता है अच्छा कंडीशन कंडीशन में तो ये बेस्ट है यानी कि आप शैम्पू करने के बाद अगर इसको पेंटिंग शैम्पू को अगर आप एज ए कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये वाकई में आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगा अच्छा इसके बाद इन्होंने कहा कि हीट ये जो है पर है uh, कि मतलब आप क्या uh, कि uh, अगर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है और उससे पहले आपने जो सीरम यूज़ करते हैं हीट uh, प्रोटेक्शन के लिए तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं तो जनाब ये इसमें चार इन्होंने तरीके बताए हैं तो इस तरीके के लिए भी ये बेस्ट है लेकिन ऑयल इनके रिप्लेसमेंट के लिए जो है ये मुझे ठीक नहीं लगा मैंने इसको इतना इसमें यूज़ uh, किया है लेकिन इस वाले फायदे इसके लिए मुझे यूज़ नहीं लगा मैं इसको कंडीशनर और सीरम के तौर पर यूज़ कर रही हूँ तो इसके बहुत अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट हैं तो दोस्तों आप इसकी पैकिंग अगर बात करने तो यह uh, कितनी वन एटी एम एल की है बॉटल ठीक है और ये थ्री फिफ्टी की है और आप इसको तीन साल तक यूज़ कर सकते हैं और अगर मैं आपको इसको एक मिनट इसके मैं ओपन करके दिखा दूँ तो जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगनेस है और इसका टेक्स्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से इसका टेक्सचर है ये देखें ये कंडीशनर फॉर्म में ही है अच्छा इसकी थोड़ी सी आपने स्मॉल अमाउंट लेनी है और शैम्पू करने के बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई उस पर सॉरी बालों पर अप्लाई करें और क्या करना है कि उसके बाद वॉश आउट कर लेना है तो इससे वाकई आपके बाल जो है वो सॉफ़्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे और इससे आपके बाल शाइनी भी होंगे और क्या है कि इसलिए आपके बालों को वाकई में कंट्रोल करता है बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है। लेकिन हम ये है कि ये एटी टू एटी फाइव परसेंट रिज़ल्ट आपको देगा तो दोस्तों मेरी तरफ से रेकमेंड है आप इसको यूज़ कर सकते हो और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और मेरा दिल करता है कि मैं नई नई वीडियोज़ और नए नए आप लोगों के साथ रिव्यूज़ और वीडियोज़ शेयर कर सकूँ तो दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक कि नहीं मुझे इजाज़त दीजिए कि तब तक अल्लाह हाफिज़